अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं मलिया फूडी में आप सबके लिए लेके आई हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने ली हूँ 1 किलो बासमती चावल, 1 किलो चिकन ली हूँ, 2 बड़े टमाटर ली हूँ, 1 बड़ा कप दही ली हूँ, 3 बड़ी प्याज ली हूँ मैंने, ये है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है 2 आलू ली हूँ मैंने, और ये है चॉप धनिया। यहाँ मैंने ली हूँ क्रश्ड मिर्चें, वो 1 चम्मच ली हूँ मैंने, ये है शाही बिरयानी मसाला, ये देख सकते हैं आप, शाही बिरयानी मसाला मैंने एवरेस्ट का ली हूँ, ये मैंने ली हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, नमक हसबे जाएगा, 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो आइए चलिए अब हम हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चावल को मैं 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख रही हूँ और सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं चिकन लूंगी, सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन डाल रही हूँ, साथ ही साथ मैं इसमें हमारे सारे मसाले डाल दूंगी। सबसे पहले धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और कुटी हुई मिर्चे, नमक और साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, दही डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमने इसमें अभी हमारे सारे मसाले डाल दिए हैं और इसमें हमने इसे आलू फ्राई करके डालना है, तो हम आलू फ्राई कर लेते हैं तब तक। ये देखिए अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अब हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हमने इसे हमारे मैरिनेशन में डाल देना है और इसे मैरिनेशन के साथ मिक्स कर लेंगे और तब तक हमने हमारी प्याज को फ्राई कर लेना है। ये देखिए अब हम इसमें प्याज डाल दे रहे हैं और इसे हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुए तक फ्राई कर लेना है। जब तक हमारी प्याज लाल हो रही है तब तक हम चावल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए चावल हमने रख दिए हैं, अब हम इसमें 5 गिलास पानी लेंगे और साथ ही साथ इसमें लौंग, काली मिरी और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री फूल और दालचीनी डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें जीरा डाल देंगे और तेज पत्ता डाल देंगे और नमक डाल देंगे हम इसमें, नमक हसबे जाएगा, ये डाल दिए हमने नमक इसमें। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अब हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमने हमारी प्याज को अलग कर लिए है, अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये हमारी प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया है और ये प्याज हम इसमें हमारे मैरिनेशन में डाल देंगे और साथ ही साथ हम इसमें धनिया डाल देंगे। अब हम इसे इसमें तेल डाल देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। अब हम इसमें कोयला रख रहे हैं, कोयला रख के हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप तेल के डाल देंगे। अब हम इसे ढक देंगे। अब हमारा चावल बिल्कुल तैयार है,
अब हम हमारे मसाले में इसकी एक लेयर बना लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ से इसमें से कोयला निकाल दे रही हूँ। अब हम इस पे चावल की लेयर बना देंगे। ये देखिए हम किस तरह से इसकी लेयर बना रहे हैं। ये देखिए अब हमने चावल की एक लेयर बना ली है। अब हम इसमें धनिया डाल रहे हैं और साथ ही साथ हम इसमें फूड कलर डाल देंगे। ये देखिए अब हमने इसे डाल दिया है। अब हम इसे दम पे रख देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। ये हमने इसे गैस पे रख दिया है कवर करके। 15 मिनट हमने इसे पका लेना है। 5 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम पे रखना है और 10 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पे रखना है। ये देख सकते हैं आप हमने इसे किस तरह से ढक दिया है। अब हम 15 मिनट वेट कर लेंगे। अब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पे रख देंगे दम पर। अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारी बिरयानी को देख लेंगे। ये देखिए बिरयानी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको इसे टेस्ट करके बताएंगे। ये देखिए अब हम इसे टेस्ट कर रहे हैं। बहुत यम्मी लग रहा है। आप भी हमारी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह निगेबान।